इस वीडियो में कि आपको आधार कार्ड को अपडेट होने में या बनने में कितने दिन का वक्त लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि आपने अपने आधार कार्ड को नया नया अभी बनवाए हैं या अपने आधार कार्ड में कुछ भी सुधार करवाए हैं, तो आप कैसे पता करेंगे कि मेरा आधार कार्ड कितने दिन में बनके तैयार हो जाता है, एंड आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आप किस तरीके से पता करेंगे? तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप आधार कार्ड के कस्टमर केयर के नंबर से कॉल करके वहाँ से पूछ सकते हो कि कितना दिन लगता है बनने में। और नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें तो पता है कि 8 दिन से लेकर के 3 महीने का वक्त लगता है आपको आधार कार्ड बनने में या अपडेट होने में। तो मेरे पास एक नंबर है जो कि वो इनरोलमेंट आईडी नंबर है, जो आईडी नंबर हमने मोबाइल मैसेज से कॉपी किया है कि जब आप आधार कार्ड बनवाते हो या अपडेट करवाते हो तो आपके नंबर पे उसी वक्त आपको वो एक मैसेज आता है जिसमें आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर पूरा होता है 28 डिजिट का, ठीक है। अगर आपको रिसीविंग खो जाए या आपको रिसीविंग नहीं मिला है तो आप उस नंबर से अपने आधार कार्ड को स्टेटस को चेक कर सकते हो, यानी कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने मोबाइल के मैसेज से उस नंबर को निकाले हैं 28 डिजिट का। तो चलिए मैं आपको पहले चेक करके दिखाता हूँ कि मेरा अपडेट हुआ या बना कि नहीं बना, ठीक है। हमने एक 2-3 साल का बच्चे का हमने एक आधार कार्ड बनवाया था, ठीक है, जो कि 1.5 महीना हो गया है लेकिन अभी तक वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि ये आधार कार्ड कहाँ तक पहुँचा है या बना कि नहीं बना, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं तो करिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाएंगे और आपको यहाँ पर टाइप करना है सिंपल सा आधार कार्ड, ठीक है। आप आधार कार्ड टाइप करेंगे, उसके बाद में आपको इस तरह का वेबसाइट आएगा, आपको सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करना है। आप ऐसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ घेरे करके तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि चेक आधार स्टेटस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको चेक आधार स्टेटस, ठीक है, आपको इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। या आपको यहाँ पर नीचे में भी दिखता होगा, यहाँ पे ये रहा ऑप्शन, आप यहाँ पे भी अपना क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो हम क्लिक करने वाले हैं इस वाले जगह पर, ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करना है चेक आधार अपडेट स्टेटस, आप क्लिक करेंगे इस तरीके से। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ओपन होगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ घेरे करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि इंटर इनरोलमेंट आईडी एसआरएन नंबर और यूआरएन नंबर। आप यहाँ से अपने आधार कार्ड का स्टेटस देखने के लिए आपको पास में इनरोलमेंट आईडी होना चाहिए, एसआरएन नंबर होना चाहिए, यूआरएन नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये सब नंबर कब आता है, जब अपने आधार कार्ड को ऑर्डर करते हो या अपडेट करवाते हो या खुद से करते हो कोई भी काम, तो ये सब नंबर मिलता है, ठीक है। तो हमने ब्लैक से, मतलब कि अलग से, हमने दूसरे स्थान पर जाकर के एक व्यक्ति से हमने आधार कार्ड एक बच्चे को बनवाया था, ठीक है। तो वो इस तरीके से यहाँ पर हम उसका चेक करेंगे कि उसका आधार कार्ड बना कि नहीं बना है, ठीक है। देखिए, बच्चे का आधार कार्ड अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसका एक प्रूफ लगता है, जैसे कि उसका जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। आप अगर ब्लॉक पर जाते हो या कोई बैंक में तो आपसे वहाँ पर ओरिजिनल प्रूफ मांगा जाता है, लेकिन अगर आप ब्लैक से बनवाते हो तो वहाँ पर आपसे प्रूफ नहीं मांगेगा और आप आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये सुविधा हमने देखा है ब्लैक से बनवाने में। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अपना इनरोलमेंट आईडी नंबर डालेंगे, जो कि मेरे पास में रिसीविंग नहीं है, हमने अलग से बनवाया था तो वो रिसीविंग नहीं दिया, पकड़ाने के चक्कर में वो अपना रिसीविंग नहीं देते हैं, लेकिन हमारे मोबाइल पर उस रिसीविंग का 28 डिजिट का जो नंबर होता है इनरोलमेंट आईडी, वो हमारे मोबाइल पर आ चुका था। तो हम वही नंबर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उस नंबर को पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। जैसे जैसे कैप्चा लिखा रहेगा उसी हिसाब से आपको कैप्चा को डाल देना है। तो कैप्चा को डाल लेते हैं सही सही, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको शो करेगा, जैसे कि मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको घेरे करके दिखाता हूँ। हमने सबमिट किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, मतलब कि यहाँ पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है और वैलिडेशन स्टेज पे ये आके रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है दिस इनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगैन आफ्टर ए फ्यू डे। ये कह रहा है कि आपका अंडर प्रोसेस में है, प्रक्रिया में आपका आधार कार्ड चला गया है,
आप कुछ दिन के बाद में आप चेक करें कि आपका आधार कार्ड बना कि नहीं बना, ठीक है। जब बन जाएगा तो आपको यहाँ पे कंप्लीट का टिक लग जाएगा और आपको यहाँ पर नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये अभी तक नहीं बना है इसीलिए इस तरह का ऑप्शन दिखा रहा है फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से अपने आधार कार्ड का स्टेटस को चेक कर सकते हो, या बनवाए हो या अपडेट करवाए हैं तो, या खुद से अपडेट किए हैं तो आप स्टेटस को यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से। तो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास में जा सके फ्रेंड्स। तो आप समझ गए कि हम किस तरीके से अपने आधार कार्ड का स्टेटस को चेक करेंगे और आधार कार्ड को बनने में कितना दिन का वक्त लगता है। हम जिस बंदे का चेक किए हैं ये एक बच्चा है, एक बच्चे का हमने आधार कार्ड बनवाया था जो कि अभी 2 साल का ही वो बच्चा है, और क्या है कि हम 2 महीना पहले हम बनवाए थे तो अभी तक ये नहीं बना है। तो आप इस तरीके से आपको धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है बनने में, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना चेक कर सकते हैं।